हुआ पंक्ति? इतना इतना परेशान क्यों लग रही हो? नहीं यार, कोई बात नहीं है, बस मेरा ना मूड खराब है। मूड खराब है? देखो मैं तुम्हारा मूड ठीक करने ही तो आया हूँ, जो भी बात है मुझसे कह दो। देखो ना हान, पूर्वा आजकल जेडी के बेटे के साथ घूमने लगी है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अरे कोई बात नहीं पंक्ति, साली साहिबा है, एक बार हमारी शादी हो जाए फिर देखना पूर्वा कैसे हमारे इशारों पे नाचेगी। उससे पहले बहुत देर हो जाएगी आहान, तुम्हें तो पता है जेडी हमारी जान का दुश्मन है। जी मैं पंक्ति को मिलने आया हूँ क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हर रिलेशनशिप में होती हैं, इस रिलेशनशिप में भी ऑब्वियसली हो गई हैं। वही क्लियर करने आया हूँ और वही बताने आया हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही हैं, हकीकत नहीं है और विश्वास मत कीजिए। भाई आज आहान आए हैं एक बार फिर पंक्ति का सहारा बनने, शादी से पहले इनकी इंस्टॉलमेंट वाली मुलाकातें अब रंग लाती नजर आ रही हैं। आज पंक्ति है परेशान क्योंकि उनको पता चला है कि उनकी बहना पूर्वा आजकल जेडी के बेटे के साथ घूम रही है। बस इसी बात को लेकर पंक्ति अपनी माँ और बहन से झगड़ा कर रही है। लेकिन पूर्वा और पंक्ति की माँ पंक्ति के इन आरोपों को खारिज कर रही है और ऐसा कुछ भी ना होने का दावा कर रही है। अब बेचारी पंक्ति क्या करती, अपनी माँ और बहन की बातों में फंस गई और कन्विंस होकर अपने कमरे में आकर बैठ गई। लेकिन मन ही मन इनको इस बात का डर है कहीं जेडी एक बार फिर आकर इनकी जिंदगी में जहर ना घोल दे। अरे ये सब टेंशन छोड़िए आहान और पंक्ति, मौका अच्छा है, मार लीजिए चांस पर रोमांस। लेकिन शादी से पहले इनके इस रोमांस पर कई नजरें गड़ी हैं जो लगा देती हैं आहान और पंक्ति की प्रेम लीला पर ब्रेक। ये हर बार होता है हमारे बीच में आई थिंक, क्योंकि एक नॉर्मल हाउस होल्ड में जब तक आपकी शादी नहीं होती तो ऑब्वियसली रिश्तेदारों की नजर रहती है कि कहीं ये आपस में ज्यादा क्लोज तो नहीं हो रहे, तो आई थिंक इसीलिए हमेशा कबाब में हड्डी आ जाती है दोनों। अरे ये तो छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर्स है, लेकिन असली ट्विस्ट की खाई तो जेडी ने खोद रखी है आप दोनों के लिए। उससे बचने का तरीका ढूंढिए, तभी जाकर आप दोनों की लव स्टोरी को नया मुकाम मिलेगा। बट अभी जैसे उसकी दिशा जा रही है, जैसे जिस रिवेंज की आग में वो है, बस लेट्स होप कि उस आग में वो बह ना जाए और नेगेटिव ना हो जाए। भाई इसे संभालने के लिए आप है ना आहान, बस यूं ही पंक्ति का सहारा बने रहिए, बाकी सब ठीक है। आज तक ब्यूरो।